त्योहार के सीजन पर सब्जी मंडी में पुलिस भी गश्त करती नजर आई। गोवर्धन के त्योहार पर सब्जी मंडी में सड़क पर जाम न लगे इसलिए चौकी इंचार्ज अनुज फोगाट अपनी टीम के साथ भ्रमण करते हुए नजर आए। सब्जी मंडी में पुलिस की भी व्यवस्था अच्छी रही, पुलिस लगातार जो है चौकसी करती रही। दिवाली का त्यौहार है, 5 दिवसीय त्यौहार, आप देखें हमारे ठीक सामने की तरफ से चौकी इंचार्ज आ रहे हैं, उनके साथ 2 पुलिसकर्मी और मौजूद हैं और ये लगातार पूछेंगे इनसे आखिर यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएँ देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं सब लोग जो है यहाँ पर। और कहाँ आप लोग कहाँ घूम रहे हैं यहाँ? ये बोधला लोहा मंडी रोड पर जो सब्जी मंडी लगती है, आज यहाँ पर गोवर्धन के उपलक्ष्य में अन्नकूट की सब्जियों का सेंटर बने हुए हैं तो शांति व्यवस्था बनी रहे, यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसलिए हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक बहुत बार आपने कई त्यौहार देखे होंगे अन्नकूट के, गोवर्धन के, यहाँ क्या नई व्यवस्था क्या लग रही है? इस बार मैंने भी ये पहली बार देखा है कि मिठाइयों के स्टॉलों की तरह सब्जी के स्टॉल बने हुए हैं और जो अन्नकूट की सब्जियों को मिक्स करके यहाँ पे बेच रहे हैं। ये मैंने भी पहली बार देखा है कि यहाँ पे ये व्यवस्था है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। खरीदने वालों को हर एक जगह नहीं जाना पड़ रहा, एक ही स्टॉल से वो सारी सब्जियाँ खरीद पा रहा है। नई चीज़ देखी आपने? जी, मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर। थैंक यू। ये देखिए व्यवस्था यहाँ पर चल रही है और लगातार पुलिस लगातार यहाँ पर देखिए चौकसी बनाए हुए है, आप देख रहे हैं तस्वीर को, लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं ताकि यहाँ भीड़ नहीं लगे और सुरक्षा के लिहाज से ये अच्छा है कि जो ये सड़क है, ये लोहा मंडी बोधला जो रोड है, ये सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए पुलिस लगातार यहाँ पर इन सब्जी वालों को, ठेल वालों को सड़क के किनारे करती जा रही है ताकि यहाँ जाम से लोगों को निजात मिल सके। कैमरा पर्सन मनोज साध, विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।